Hi dear friends, welcome to my YouTube channel Vikas Yadav Science Classes. Today we will discuss about skeleton system. अपन biology का आज एक important topic के बात करने वाले हैं जिसका नाम है skeleton system. Dear friends, अपने पिछले वीडियो में बात की थी अपन ने muscles के बारे में कि muscles जो होती है अपने body के अंदर locomotion या movement के अंदर help करती है. तो इस प्रकार से muscles के साथ में attach होती है bones और bones की through क्या कर पाते हैं अपन एक जगह से दूसरी जगह अपन क्या कर पाते हैं locomotion show करते हैं या फिर movement show करते हैं या फिर अपन बोल सकते हैं body की जो positions होती है वो changes कर पाते हैं. तो आज अपना जो topic है वो पढ़ते हैं अपन skeleton system. आज का अपना जो टॉपिक है वो है स्केलेटन सिस्टम. स्केलेटन सिस्टम तो अपन बात करने वाले स्केलेटन सिस्टम जो होता है एक प्रकार से अपना बोन से फॉर्म होता है. अपन बोल सकते हैं बोन्स एंड कार्टिलेज जो आती है वो क्या करती है अपने स्केलेटन सिस्टम को फॉर्म करती है. तो अपन बात करने वाले आज इस वीडियो के अंदर डीपली कि स्केलेटन सिस्टम किस प्रकार से फॉर्म होता है, किस प्रकार से इस बॉडी के अंदर स्केलेटन सिस्टम या बोन्स उनका अरेंजमेंट होता है या किस प्रकार की बोन्स प्रेजेंट होती है या हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी. तो इन सब मैटर्स के बारे में अपन बात करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो बॉडी के अंदर क्या फंक्शन करता है, मतलब क्या क्या अपन बात कर सकते हैं कि स्केलेटन सिस्टम जो होता है किस किस फंक्शन के लिए अपने बॉडी के अंदर रेस्पॉन्सिबल है या क्या क्या चीजें अपने स्केलेटन सिस्टम से अपने को मिलती है. तो फर्स्ट अपन बात करते हैं आज का अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम. टॉपिक अपना फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम. इसमें स्केलेटन सिस्टम इस अपने लिए इंपोर्टेंट क्यों है, अपने बॉडी के अंदर स्केलेटन सिस्टम का इंपोर्टेंस क्या है, इस बारे में अपन बात करने वाले हैं. तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो करता है एक तो बॉडी को फिक्स शेप देता है. तो अपन बोल सकते हैं इट्स प्रोवाइड फिक्स शेप टू आवर बॉडी. ये अपनी बॉडी को क्या करता है एक प्रकार से फिक्स शेप प्रोवाइड करवाता है. ये जनरली अपन आप जब भी स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ह्यूमन बॉडी की, जैसे जिस प्रकार से अपना हेड पार्ट होता है या फिर फेस पार्ट होता है या फिर अपने जो हैंड पार्ट है, लेग पार्ट है या जिस चेस्ट पार्ट है, ये सारा का सारा फिक्स शेप देने का जो फंक्शन होता है वो होता है अपने स्केलेटन सिस्टम का. इसमें बोल सकते हैं बोन्स का. अगर किसी भी प्रकार से अगर कोई भी बोन अगर इंजरी की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से अगर ब्रेक डाउन हो जाती है तो इस कंडीशन में वहां की स्ट्रक्चर क्या होगी, चेंजेस हो जाती है. तो अपन बोल सकते हैं कि ये स्केलेटन सिस्टम जो होता है अपनी बॉडी को एक फिक्स शेप प्रोवाइड करवाता है. सेकेंड जो फंक्शन आता है ये आता है हेल्प इन मूवमेंट वाइज लोकोमोशन. ये मूवमेंट और लोकोमोशन के अंदर हेल्प कर पाता है. अपने पिछले वीडियो में अपने बात की थी अपने मसल्स के बारे में, तो मसल्स जो होती है वो क्या करते हैं उन्हीं की वजह से क्या कर पाते हैं अपने वॉलेंट्री मसल्स जो होती है उनकी वजह से अपने क्या कर पाते हैं अपन मूवमेंट कर पाते हैं. लेकिन ये मूवमेंट जो होता है आपके वॉलेंट्री मसल्स के अलावा उनके अंदर हेल्प करती है बोन्स, और बोन्स की वजह से क्या कर पाते हैं अपने मूवमेंट कर पाते हैं. तो कोई भी एनिमल्स अगर अपने बॉडी की सिचुएशन से या पोजिशन चेंज करता है, जैसे जिस प्रकार से अपने पोजिशन में इसके अलावा अपन कोई पोजिशन चेंज करते हैं तो ये सारा एक्टिविटी जो होती है किसके थ्रू होती है, आपकी बोन्स के थ्रू होती है. इसमें स्केलेटन सिस्टम उसके अंदर हेल्पफुल रहता है. तो कोई भी बॉडी की पोजीशन हो या मूवमेंट हो या फिर अपन लोकोमोशन अपन वन प्लेस से अनदर प्लेस अगर मूवमेंट करते हैं तो वो जो लोकोमोशन शो करते हैं वो भी किसके द्वारा होता है, आपका किसके थ्रू होता है, स्केलेटन सिस्टम के थ्रू होता है. थर्ड फंक्शन जो है ये होता है, थर्ड फंक्शन है अपना टू बी स्ट्रेट आवर बॉडी. अपनी बॉडी के लिए क्या करता है ये स्ट्रेट रखता है, अपनी बॉडी को जो क्या करता है ये स्ट्रेट रखने का फंक्शन होता है इसका. इसमें से अपनी बॉडी जो स्ट्रेट रहती है वो किसकी वजह से रहती है, आपके स्केलेटन सिस्टम की वजह से रहती है. एंड फोर्थ फंक्शन जो है जो मेन फंक्शन है या मेजर फंक्शन है ये होता है टू प्रोटेक्ट या इट्स प्रोटेक्ट आवर डेलिकेटेड ऑर्गन लाइक हार्ट लंग्स ब्रेन एक्सेट्रा.
फोर्स जो फंक्शन इसका ये हो गया कि अपनी बॉडी के अंदर जितने भी टाइप्स के डेलिकेटेड ऑर्गन्स होते हैं, मींस अपन बोल सकते हैं सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, उनकी उनके प्रोटेक्शन का फंक्शन किसका होता है, स्केलेटन सिस्टम होता है। लाइक जैसे बात करें अपन हार्ट है, लंग्स है, ब्रेन है, इन सभी चीजों क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें किसी एक्सीडेंट के अंदर, अपन मान लीजिए अपने सिर पे हेड पार्ट पे अगर किसी प्रकार से इंजरी होती है या किसी प्रकार से अगर कोई शॉक लगता है, झटका लगता है या फिर अपन बोल सकते हैं चोट लगती है, उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ जो स्कल की जो बोन्स है, खोपड़ी की जो बोन्स होती है, ये सारी क्या करेगी उस झटके को या उस शॉक को या फिर उस चोट को क्या करेगी, सहन कर लेगी एंड आगे चोट को अपने ब्रेन तक रीच नहीं होने देगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो अपना ब्रेन है वो क्या रह जाएगा, सेफ रह जाएगा और अपन डाई होने से बच जाएंगे या फिर ज्यादा इंजरी होने से या फिर ज्यादा अपन बोल सकते हैं हार्मफुल कंडीशन आने से बच सकते हैं। तो ये क्या करता है, अपनी बॉडी को डेलिकेटेड जो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करता है, अपन बोल सकते हैं प्रोटेक्ट रखने का काम होता है। तो इस प्रकार से अपने बात की कि स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो चार फंक्शन करता है, मेजर चार फंक्शन होते हैं। एक तो होता है अपनी बॉडी को फिक्स एयर प्रोवाइड करवाता, सेकंड जो होता है अपनी बॉडी के लिए मूवमेंट एंड लोकोमोशन शो करवाता है, जिसकी वजह से जिसमें हेल्प करती है आपके मसल्स हेल्प करती है। इसके अलावा बात करते हैं ये अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखने का काम करता है। अगर मान लीजिए अपने जो बैकबोन जो है, ये अगर बैकबोन अगर कहीं से ब्रेक डाउन हो जाते तो अपन आराम से अपन क्या होंगे, एक प्रकार से अपन झुक जाएंगे या फिर अपन क्या होंगे टेंड हो जाएंगे। इस कंडीशन में ये बॉडी को स्ट्रेट भी रखने का काम करता है। इसके अलावा बात करें अपन ये अपनी बॉडी के जो डेलिकेटेड ऑर्गन जो होते हैं उनको भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम होता है। तो इस प्रकार से अपने पढ़ ली अपने पढ़ा स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन। अब बात करते हैं कि अर्थ के ऊपर अपन जानते हैं मेनी पर्सन टाइप्स के क्या होते हैं, आपके एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर अदर अदर प्रकार के क्या होती है, स्केलेटन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ जो है एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर अलग टाइप का स्केलेटन सिस्टम होता है, जबकि कुछ जो होते हैं उनके अंदर अलग टाइप का स्केलेटन सिस्टम होता है। तो अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कि किस टाइप के स्केलेटन सिस्टम अदर अदर एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं अपन बात करते हैं टाइप्स के बारे में। मेनली जो होता है स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। तो इसमें बोल सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम। एक होता है आपका एक्सो स्केलेटन, एक्सो स्केलेटन। एक होता है आपका एंडो स्केलेटन। एक पर एक तो होता है आपका एक्सो स्केलेटन, एक होता है आपका एंडो स्केलेटन सिस्टम होता है। अपन जनरली देखें तो जितने भी अर्थ के ऊपर एनिमल्स पर पाए जाते हैं, अलग अलग स्पीसीज पाई जाती है, उनके अंदर टू कैटेगरीज के क्या होते हैं, स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट होता है। एक होता है एक्सोस्केलेटन सिस्टम, एक होता है एंडोस्केलेटन सिस्टम। अब बात करें आगे फर्दर तो एक्सोस्केलेटन जो सिस्टम होता है ये जो होता है ये एनिमल्स के अंदर फॉर्म करता, अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग कैटेगरीज में होता है। जैसे बात करें अपन कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होती है, हेयर जो फॉर्म होते हैं, हेयर जो बढ़ते हैं ये आपके बढ़ते हैं, किसका एग्जांपल है, एक प्रकार से स्केलेटन सिस्टम का, एक्सोस्केलेटन सिस्टम का एग्जांपल है। तो जितने भी बॉडी के अंदर जो हेयर्स होते हैं वो सारे एक्सोस्केलेटन सिस्टम से फॉर्म होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें अपन, इसके अलावा अपन बात करते हैं नेल्स जो आते हैं, ये नेल्स जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, किसके टाइप्स हैं, आपके एक्सोस्केलेटन सिस्टम के ही एग्जांपल होते हैं। कि एक मान लीजिए अपन ह्यूमन बॉडी के ऊपर पाए जाने वाले नेल्स हैं या जो हेयर जो होते हैं ये सारे किससे फॉर्म होते हैं आपके, या किसके एग्जांपल हैं आपके, एक्सोस्केलेटन सिस्टम के एग्जांपल होते हैं। अच्छा जनरली अगर इसमें नोटिस करने वाली बात ये होती है, थोड़ा सा अगर डीपली पढ़े तो एक्सोस्केलेटन सिस्टम के जो एग्जांपल हेयर है एंड नेल्स जो है ये फॉर्म होते हैं आपके केराटिन प्रोटीन से। कौन से प्रोटीन से फॉर्म होते हैं, केराटिन प्रोटीन से फॉर्म होते हैं। इनके अंदर पाए जाने वाली जो प्रोटीन होती है वो होती है केराटिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है, केराटिन प्रोटीन। अच्छा अपन बात करें एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये केराटिन प्रोटीन जो होती है एनिमल्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर ये सबसे प्योर प्रोटीन होती है। क्या होती है, सबसे प्योर प्रोटीन होती है, सबसे प्योर ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट सबसे प्योर प्रोटीन जो होती है वो कौन सी होती है, आपकी केराटिन प्रोटीन होती है। कौन सी होती है, जनरली केराटिन प्रोटीन होती है। तो अपन बात करते हैं वापस है कि एक्सोस्केलेटन सिस्टम जो होता है ये एनिमल्स के बॉडी के आउटर पोर्शन में पाया जाता है,
आउटर पोर्शन इस मींस बोल सकते हैं जो बॉडी वॉल जो होती है इस बॉडी वॉल के आउटर पोर्शन पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर अगर अपन बात करें ह्यूमंस के अंदर एग्जांपल की तो हेयर एंड नेल्स जो होते हैं ये टाइप्स होते हैं, एग्जांपल होते हैं आपके एक्सोस्केलेटन के। और एक्सोस्केलेटन जो ये होते हैं हेयर एंड नेल्स जो होते हैं ये फॉर्म होते हैं एक प्रकार की विशेष एक प्रोटीन स्पेशल प्रोटीन होती है जिसे बोला जाता है केराटिन प्रोटीन। ये किससे फॉर्म होते हैं? केराटिन प्रोटीन से। अच्छा केराटिन प्रोटीन जो होती है जनरली अपने ह्यूमंस बॉडी के अंदर सबसे प्योर प्रोटीन मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? सबसे प्योर प्रोटीन मानी जाती है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे प्योर प्रोटीन हो गई आपकी, क्या हो गई? केराटिन प्रोटीन। एंड इसके अलावा कुछ एनिमल्स जो होते हैं जिनके अंदर जैसे अपन बात कर लें जैसे कौरव एग, ये भी एक प्रकार से एक्सोस्केलेटन का ही टाइप है। कौरव एग मतलब अंडे का जो बाहर एक खोल पाया जाता है या मेम्ब्रेन जो होती है वो भी किससे बनी होती है? वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। किससे फॉर्म होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से। ये भी क्या होता है? एक प्रकार से एक्सोस्केलेटन सिस्टम का ही या एक्सोस्केलेटन का ही एक प्रकार से एग्जांपल होता है। इसके अलावा बात करें अपन जैसे अपन बात कर लेते हैं आउटर पोर्शन, ग्रास जो ऊपर होते हैं, ग्रास ऊपर के अंदर जो उनका जो चेस्ट पार्ट है या फिर जो हेड पार्ट होता है ये फॉर्म होता है। आउटर पोर्शन में जो आपके आते हैं एक तो आता है हेड पार्ट एंड एक आता है चेस्ट पार्ट जो होते हैं या फिर अपन बोल सकते हैं थोरेक्स पार्ट जो होता है। हेड पार्ट एंड थोरेक्स पार्ट जो होते हैं ग्रास ऊपर के अंदर वो भी क्या होते हैं? एक प्रकार से किसका एग्जाम्पल होते हैं? एक्सोस्केलेटन सिस्टम का, जो फॉर्म होते हैं काइटिन से। किससे फॉर्म होते हैं? काइटिन से फॉर्म होते हैं। डियर फ्रेंड्स किससे फॉर्म होते हैं? काइटिन से। ये काइटिन से फॉर्म होती है। तो इस प्रकार से अपने बात कर ली। इसके अलावा अपन कुछ बात करें जैसे फिशेज के अंदर है, फिशेज के अंदर जो एक्सोस्केलेटन सिस्टम जो होता है वो स्कल्स द्वारा फॉर्म होता है। किसके द्वारा फॉर्म होता है? स्कल्स द्वारा। तो अभी तक अपने बात की एक्सोस्केलेटन सिस्टम के एग्जांपल के बारे में, अब जनरली बात करते हैं अपने एंडोस्केलेटन सिस्टम के बारे में। एंडोस्केलेटन सिस्टम जो होता है मेनली टू ही चीज से या टू थिंग्स होती है जिनसे कंसिस्ट होता है। एक होता है आपका बोन्स, इसे होता है बोन्स से, एंड सेकेंड होता है आपका कार्टिलेज से। किससे फॉर्म होता है? आपका एंडोस्केलेटन सिस्टम जो होता है जनरली एनिमल्स के अंदर वो फॉर्म होता है आपका बोन्स एंड कार्टिलेज से। बोन्स और कार्टिलेज आपस में कंबाइंड होकर किसका फॉर्मेशन करती है? आपके एंडोस्केलेटन सिस्टम का फॉर्म होता है। तो इस प्रकार से अपने बात कर ली टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम, टू टाइप्स का होता है, एक होता है एक्सोस्केलेटन सिस्टम एंड नेक्स्ट होता है आपका एंडोस्केलेटन सिस्टम। एक्सोस्केलेटन सिस्टम में बात करें अपने एग्जांपल की हेयर है, नेल्स है, कवर ऑफ एग है, मतलब जो एग आता है उसका व्हाइट पोर्शन जो आता है, व्हाइट कवर जो आता है, हार्ड पोर्शन जो आता है वो भी इसी का आता है, एक्सोस्केलेटन सिस्टम का एग्जांपल है। या इसके बाद बात करें अपन जो ग्रास ऑफर्स होते हैं उसका जो हेड पार्ट या थोरेक्स पार्ट जो होता है वो भी क्या होता है? हार्ड होता है। तो ये सारे किसके एग्जांपल हो गए? एक्सोस्केलेटन के। अगर एंडोस्केलेटन की बात करें तो एनिमल्स के अंदर ओनली टू पार्ट्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? एंडोस्केलेटन सिस्टम को फॉर्म करते हैं। एक होता है बोन्स एंड एक होता है कार्टिलेज। तो अपन बात करने वाले आगे स्केलेटन सिस्टम के अंदर बोन्स एंड कार्टिलेज को, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के अंदर जो आती है वो आपकी मेन जो बातें आती है वो आती है आपकी बोन्स एंड कार्टिलेज के बारे में। तो अब आगे नेक्स्ट बात करने वाले हैं बोन्स के बारे में। डियर फ्रेंड्स बात करते हैं नाउ स्केलेटन सिस्टम जो होता है अपना ह्यूमंस का, जो स्केलेटन सिस्टम होता है ये फॉर्म होता है आपका बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स एंड कार्टिलेज स्केलेटन सिस्टम ह्यूमंस के अंदर फॉर्म होता है आपका बोन्स एंड कार्टिलेज। तो ह्यूमंस के अंदर बोन्स एंड कार्टिलेज के अंदर बात की जाए तो ये दोनों ही एक प्रकार से एग्जाम्पल है कनेक्टिंग टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू। ये एक प्रकार से एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू का। अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है वो ही किसका एग्जांपल है आपके? उसका एग्जांपल है बोन्स एंड कार्टिलेज होती है। और ये बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म होकर आपस में कंसिस्ट होकर आपस में कंबाइंड होकर क्या फॉर्म करती है? स्केलेटन सिस्टम फॉर्म क्या करती है आपका? बनाती है। अच्छा बात करें अगर बोन्स के बारे में बात की जाए तो बोन्स जो होती है ये बॉडी का हार्ड पोर्शन होता है। ये बॉडी के अंदर ये एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं ये हार्ड शेप में होती है। तो अपन बोलते हैं अगर बात की जाए बोन्स जो होती है इनके हार्डनेस का जो रीजन है, बोन्स के हार्डनेस का जो रीजन है ये होता है इनके अंदर कैल्शियम साल्ट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर? कैल्शियम साल्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? कैल्शियम साल्ट प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम साल्ट पाया जाता है।
इसके सेम साल्ट की वजह से क्या होती है, बोन्स होती है वो ज्यादा क्या हो जाती है आपकी अपन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। या इसके अलावा अपन बात करें इसके अंदर एक प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसे कहा जाता है ओसिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है? ओसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है बोन्स के अंदर। किस प्रकार की प्रोटीन प्रेजेंट होती है आपकी? ओसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो बॉडी को क्या करती है अपन बोल सकते हैं प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है। इसके अलावा कार्टिलेज होते हैं, कुछ कार्टिलेज होते हैं, फोर टाइप्स के ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्टिलेज होती है जो लास्ट में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं बोन्स जो होती है या स्केलेटल सिस्टम जो होता है ह्यूमंस के अंदर उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो ह्यूमन बॉडी का जो अपन बोल सकते हैं बोन्स है या फिर जो स्केलेटल सिस्टम है उस स्केलेटल सिस्टम को कितने टाइप्स में या कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया? इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला फर्स्ट आता है आपका एक्सियल स्केलेटल। स्केलेटल सिस्टम को टू टाइप्स से डिवाइड किया गया है तो अपन बोल सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम को टू कैटेगरीज के अंदर या पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है आपका, फर्स्ट है आपका एक्सियल स्केलेटल, एक्सियल स्केलेटन। फर्स्ट होता है आपका एक्सियल स्केलेटन एंड सेकंड होता है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक आता आपका एक्सियल स्केलेटन एंड एक नेक्स्ट आता आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम आता है। ये दो पार्ट्स जो होते हैं स्केलेटन सिस्टम के मेन पार्ट्स होते हैं। अब बात कर लें इनके ये जो अपेंडिकुलर एंड जो एक्सेल पार्ट्स जो होते हैं एक्सेल स्केलेटल सिस्टम जो है इनके अंदर क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता। तो बात करते हैं सबसे पहले एक्सेल स्केलेटल। ये बॉडी का एक एक्सेल पार्ट होता है, इसमें से अपन बोल सकते हैं इसके अंदर जो एग्जांपल आते हैं अपन बात करें इसके अंदर आता है अपना स्कल आता है। स्कल के जो जितना भी पार्ट होता है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक स्कल काउंट किया जाता है तो यहाँ से यहाँ तक का जो स्कल पार्ट आता है वो इसी के अंदर आता है। इसके अलावा वर्टिब्रेट जो आती है, वर्टिब्रेट अपने बैकबोन जो आती है वो सारी इसी के अंदर आती है। इसके अलावा अपन बात करें रिब्स जो आती है, रिब्स जो आती है 12 पेयर होती है अपनी टोटल, ये रिब्स जो आती है वो सारी सारी इसी के अंदर आती है। नेक्स्ट इसके अलावा बात करें स्टर्नम जो बोन्स होती है वो स्टर्नम बोन्स भी किसमें आती है आपके एक्सेल पर स्केलेटन में आती है। किसमें आती है दोस्तों? स्केलेटन में आती है। अगर नेक्स्ट बात करें आप इसके अलावा बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में, अपेंडिकुलर जो स्केलेटन जो आता है इसके अंदर आती है ओनली ह्यूमंस के गिर्डन एंड जो अपन बोल सकते हैं जो लिम्ब्स होती है, लिम्ब्स मीन्स पैर जो होते हैं हाथ या पैर जो आते हैं तो लिम्ब्स एंड इसकी जो गिर्डल्स होते हैं मैग्नाइज होते हैं ये कंधे शोल्डर एंड जो हिप्स वाले जो बोन्स होती है ये सारी काउंट की जाती है किसमें? अपेंडिकुलर स्केलेटन। किसमें काउंट की जाती है? अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। तो अपने बाकी टाइप पार्ट्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम टू ही पार्ट्स का होता है, एक एक्सियल स्केलेटन होता है और एक आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। अब वापस अपन एक्सप्लेन करने वाले एक्सियल स्केलेटन को, तो देखते हैं एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या चीजें आती है। एक्सियल स्केलेटन, एक्सेल स्केलेटन जो आता है ये फॉर्म होता है आपका स्कल, स्कल स्कल के बाद में आता है आपका वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल क्या हो गया कॉलम हो गया। इसके अलावा आपका आ गया रिब्स होगी एंड स्टर्नम हो गया। ये सारे जो पार्ट्स होते हैं ये सारे पार्ट्स फॉर्मेशन करते हैं आपके एक्सेल स्केलेटन। किसका फॉर्मेशन करते हैं? एक्सेल स्केलेटन का। इसमें से अपन बोल सकते हैं आपका स्कल हो गया, खोपड़ी वाला पार्ट हो गया, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है बैकबोन जो आती है वो सारी आपकी इसी के अंदर आती है एंड रिब्स जो हो गई वो सारी की सारी इसी के अंदर आती है एंड स्टर्नम जो आता है वो सारा आपका इसी के अंदर आता है। इस प्रकार से टोटल जो ये बोन्स होती है एक्सेल बोन्स की, ये टोटल बोन्स जो होती है या एक्सेल जो बनता है ये बनता है अपना 80 बोन्स। एक्सियल स्केलेटन जो बनता है अपना बनता है 80 बोन्स, जिनके अंदर अपन बात करें स्टर्नम 1 होती है, 12 पेयर्स रिब्स होती है, इसके अलावा बात करें वर्टेब्रल कॉलम्स होते हैं 26 होता है और रिमेनिंग जितनी भी बच गई आपके 24 जो होती है वो सारी किस्में आती है आपके स्कल के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? आपकी स्कल के अंदर आती है। अब नाउ अपन बात करने वाले डिटेल से स्कल के बारे में, किसके बारे में बात करने वाले? फर्स्ट ऑफ आप इसका एग्जाम्पल हो गया आपका स्कल, क्या गया? स्कल। तो अपन बात एक्सप्लेन करेंगे आप स्कल के बारे में। एक्सियल स्केलेटन के अंदर सबसे फर्स्ट एग्जांपल है अपना स्कल।
डियर फ्रेंड्स, अगर स्कल्स की अपन बात करें तो यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन होता है ये होता है आपका स्कल्स। क्या होता है आपका स्कल्स, और स्कल्स के अंदर टोटल मसल्स सॉरी बोन्स जो प्रेजेंट होती है, टोटल बोन्स जो होती है वो क्या होती है आपकी 24 होती है। कितनी होती है 24। स्कल जो आता है उसका आगे टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इसको, टू कैटेगरीज में। एक आता है आपका क्रेनियम जो आता है, या आप बोल सकते हैं क्रेनियल जो पार्ट होता है। क्या पार्ट होता है आपका क्रेनियल जो पार्ट होता है वो किसमें होता है, स्कल्स के अंदर। एंड इसके अलावा जो फेसियल पार्ट जो होता है, फेसियल जो पार्ट होते हैं, क्रेनियल पार्ट एंड फेसियल पार्ट जो होते हैं, ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्कल का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें से अपन बोल सकते हैं ये जो खोपड़ी जो होती है इसके अंदर ये वाला पोर्शन आ गया, एंड ये पोर्शन आ गया आपका कौन सा आ गया, क्रेनियल पोर्शन आ गया, और इसके अलावा ये जो पोर्शन आ गया ये आपका कौन सा आ गया, फेसियल पोर्शन आ गया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्रेनियल जो पार्ट होता है उसके अंदर 8 बोन्स प्रेजेंट होती है। कितने बोन्स होती है इसके अंदर, 8 बोन्स प्रेजेंट होती है। टोटल कितने बोन्स प्रेजेंट होती है, 8 बोन्स प्रेजेंट होती है। जबकि जो फेसियल पार्ट होता है उस फेसियल पार्ट के अंदर टोटल बोन्स जो होती है वो 14 बोन्स होती है। कितनी बोन्स होती है डियर फ्रेंड्स, 14 बोन्स होती है। स्कल के क्रेनियल पार्ट के अंदर होती है 8 बोन्स, और फेसियल पार्ट के अंदर क्या होती है आपके 14 बोन्स होती है। एक इसके अलावा एक बोन होती है हायर्ड बोन्स होती है, हायर्ड बोन जो होती है ये फ्रीली होती है एक प्रकार से, ये अपने पाई जाती है इस पोर्शन पे, मतलब नेक पोर्शन अपन बोल सकते हैं, थ्रोट पोर्शन के अंदर ये यहाँ पर पाई जाती है। तो ये हायर्ड बोन जो होती है ये आपकी एक बोन होती है जो बिल्कुल क्या होती है, फ्री होती है, किसी भी अदर बोन से अटैच में नहीं रहती। तो इस प्रकार से अपने बात कर ली कि टोटल 24 बोन जो होती है स्कल के अंदर प्रेजेंट होती है। डियर फ्रेंड्स, अपने स्केलेटन सिस्टम होता है, स्केलेटन सिस्टम में अपन बात कर रहे थे स्कल्स की, और स्कल्स जो होता है वो फॉर्म होता है आपका क्रेनियल पार्ट्स एंड फेसियल पार्ट्स से। तो इसके अंदर पाए जाने वाली जो मेन बोन्स जो होती है मैं उनको बता देता हूँ कौन कौन सी बोन्स होती है। जैसे अपन बैक पोर्शन से देखते हैं, सबसे पहले आती है ऑसिपिटल कॉन्ड्रिल, ऑसिपिटल कॉन्ड्रिल। ऑसिपिटल कॉन्ड्रिल जो होती है ये होती है आपकी बैक बोन्स होती है, या वर्टिब्रल जो कॉलम होता है उससे अटैच में रहती है, या उससे उसको अपन बोल सकते हैं अराइज करवाती है। नेक्स्ट आती है आपकी ऑसिपिटल बोन्स, ये जो बैक पोर्शन पे पाई जाती है। इसके अलावा टेम्पोरल बोन जो आपके ये जो ईयर पोर्शन होता है उसके अपर पार्ट पे पाई जाती है आपकी टेम्पोरल बोन है। इसके अलावा पीछे वाला बैक पोर्शन हेड पार्ट पे पाई जाती है आपके ये पेराइटल बोन्स होती है। नेक्स्ट आते हैं आपके ऊपर की तरफ आती है आपकी फ्रंटल बोन्स होती है, स्पिनॉइड बोन्स होती है, एथेमॉइड बोन्स होती है, और आइज के ऊपर जो होती है वो होती है लैक्रिमल बोन्स होती है। आइज के ऊपर जो आइज अपन बोल सकते हैं टीयर्स जो आते हैं वहाँ एक बोन्स प्रेजेंट होती है जिसे बोला जाता है लैक्रिमल बोन्स बोला जाता है। इसके अलावा नोज के ऊपर पाई जाने वाली जो होती है नेजल बोन होती है। नेक्स्ट बोन जो होती है वो होती है जाइगोमेटिक बोन्स होती है। इसके अलावा नोज के अंदर पाई जाने वाली एक बोन और होती है आपकी जिसका नाम होता है मैक्सिला बोन है। मैंडिबल जो बोन होती है ये होती है आपकी जबड़े की या जा की बोन्स होती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे मजबूत पाए जाने वाली या सबसे हार्डेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो होती है वो होती है आपकी मैंडिबल बोन होती है जो जबड़े के अंदर या जा के अंदर पाई जाती है, तो मैंडिबल बोन्स होगी। इसके अलावा अपने बात की थी ये नीचे की तरफ और दे रखा है स्कल के अंदर ही, ये सबसे नीचे जो होगी वो हाइड बोन होगी जो एकदम फ्री बोन होती है। तो इस प्रकार से टोटल आप इस डायग्राम में व्यू कर पा रहे हैं जो मैं बोल पा रहा हूं वो सारी की सारी जो बोन्स हैं वो मैंने आपको यहां बोल करके बता दी कौन से पोर्शन पे कौन सी बोन प्रेजेंट होती है।